गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धनु ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आर के राजपूत का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे वो रेलवे जेई हो, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर आपको ITI, NTPC, UPSC, BE, BTEC लेवल, डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स स्पेशली मैं बात करूं तो SSC JEE के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में इस बुक से ही क्वेश्चन आपको 90% क्वेश्चन इस बुक से ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी जो हाल में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट आया है, तो मैं अभी जितने भी इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन सबसे टॉपिक चाहता है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड फ्रेंड। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाते हैं, नेटवर्क थ्योरम से पूछे जाते हैं, AC फंडामेंटल सर्किट एंड सर्किट थ्योरी से पूछे जाते हैं, इसके बाद DC जनरेटर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DC मोटर से, ट्रांसफार्मर से, और इसके अलावे ट्रांसफार्मर के बाद आपको पॉलीफेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्टरनेटर से पूछे जाते हैं, और सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेक्टिफायर्स एंड कन्वर्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं, GEP से पूछे जाते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे जाते हैं, और स्विच गियर प्रोटेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ड्राइव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हीटिंग एंड वेल्डिंग से पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स लगभग मेरे हिसाब से 10-12 चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा BSPHCL में क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इन्हीं 10 चैप्टर्स से देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं हालांकि हमारा मोटिव सिर्फ BSPHCL JEE नहीं है, बट हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, हम लोग SSC JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स सामने BSPHCL JEE है, तो मैंने सोचा कि जो BSPHCL JEE के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसे मैं करवा लूँ, ताकि जो BSPHCL के की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो काम आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इस आर के राजपूत का करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स ये रहा हमारा अपना आज का फर्स्ट चैप्टर। द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड्स इज ड्यू टू, जो सॉलिड में करंट का फ्लो होता है वो किस कारण से होता है। तो जो करंट में यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा गया है कि सॉलिड में करंट का अपना फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के कारण होता है, एटम्स के कारण होता है, या न्यूक्लियस के कारण होता है। तो जो सॉलिड्स में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग आयन का, तो फ्रेंड्स आयन का जो होता है लिक्विड में अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो करंट का फ्लो होता है वो आयंस के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा कि जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम के लगभग इक्वल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, द ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्राफ्ट वेलोसिटी होता है वो कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ड्राफ्ट वेलोसिटी होता है वो आपको काफ़ी कम होता है, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस जो ड्राफ्ट वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है आपको 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू, एक वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है? तो वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है फ्रेंड्स, वन किलोवाट पर आवर होता है, वन किलोवाट पर आवर होता है। इसके बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। वन कूलम चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन, एक कूलम चार्ज का मतलब कितना होता है? तो एक कूलम चार्ज का मतलब होता है आपको, वन कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होता है, 6.24 × और एक एम्पियर बराबर होता है फ्रेंड्स एक कूलम, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू आपको होता है क्यू बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 kWh, इफ द हीट लॉसेस आर 20% द एनर्जी इनपुट इज, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग एक पानी से भरे बकेट को गर्म 4 kW तक गर्म करते हैं, उसमें जो उसका लॉसेज जो होता है 20% है, तो वहाँ पे हम लोगों का एनर्जी टोटल नंबर कंज्यूम्ड एनर्जी कितना होगा? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 kW, ठीक है। इसका क्या होता है 80% यहाँ पे यूज होगा, 80% इज इक्वल्स टू 4 kW। यहाँ पे आपने देखा चूंकि 20% तो लॉस हो गया, और जो 80% बचेगा वही तो हीट करेगा ना, उसके बाद क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/80 × 100, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको काट दीजिएगा 5 kWh, ओके। नेक्स्ट, इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड में होता है इलेक्ट्रॉन के कारण और लिक्विड में होता है पॉजिटिव आयंस के कारण। अब यहाँ पे पूछ रहा है गैस में किसके कारण होता है? तो गैस में जो होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन ने निगेटिव आयन के कारण होता है, ठीक है गैस में। उसके बाद द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 kΩ 0.5 W resistor, तो इसके लिए हो जाएगा आपको 7.70 μA। ये कैसे होगा फ्रेंड्स? तो इसका आपको पता होगा P इज इक्वल टू होता है I²R, ठीक है। पावर यहाँ पे दे रखा है 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू I² और R का क्या है 10 × 1000। तो यहाँ से आप लोग I² फ्रेंड्स निकाल सकते हैं, I का वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम्स 100 W ऑफ पावर इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 V, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट इज। तो यहाँ पे दे रहा है कि 100 W का लैम्प है, 220 उस सप्लाई दिया जा रहा है और 30 मिनट जलाना है, तो आपका टोटल नंबर टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी कितना होगा? तो आपको पता होता है ई इज इक्वल टू होता है पी इंटू पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा 0.05 kW पावर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? ये तो आप सबको पता होगा कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन आ रहा है, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर्स ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। तो ये होता है, इसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और अगर यही बात हम सेमी कंडक्टर का करें, तो अगर टेम्परेचर जैसे जैसे हम सेमी कंडक्टर का बढ़ाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटते जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पे कंपेरिजन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पुअर कंडक्टर कौन सा नहीं है? तो कॉपर जो होता है पुअर कंडक्टर नहीं होता है, आप सबको पता होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल का बताना है कि यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से इंसुलेटिंग मटेरियल कौन है? तो पेपर जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट पासेस करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी मतलब कंडक्टर का प्रॉपर्टी जिसके कारण उससे करंट पास करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, क्या होता है? R = ρ L / A,
ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, अगर हम लोग किसी भी प्योर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा, कैसे होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, इससे आप लोग कंपेयर करके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइज इन टेम्परेचर द राइज ऑफ सेमी कंडक्टर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ता है सेमी कंडक्टर में तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर 200 मीटर लॉन्ग इज 21 ओम, मतलब 200 मीटर लंबे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 21 ओम है, इफ़ इट्स थिकनेस डायमीटर इज 0.44 mm, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कॉपर वायर 200 मीटर लंबा है, उसका 21 ओम रेजिस्टेंस है और उसका जो डाया है वो 0.44 mm है, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लोगों को बताना है, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है फ्रेंड्स 1.2 × 10⁻¹ ओम, इसका कैसे निकालते हैं आप लोगों को, जैसे क्या होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल अपॉन ए, यहाँ से हम लोग को रो निकालना है, तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा आर ए अपॉन एल, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एरिया आप निकाल सकते हैं, लंबाई आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को दे ही रखा है, और पाई ए दे रखा है, एल दे रखा है, तो यहाँ से आप लोग टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा 1.2 × 10⁻¹ ओम पर ओम मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो फ्रेंड्स मैं इस बुक को कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं देखता और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँ, और अगर आप लोगों को कोई अपना सजेशन है तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।